बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए लेकर आया हूँ क्रश गरारा, शरारा भी इसे कहते हैं। ये मैंने क्रश किया हुआ कपड़ा है, 56 इंच इसका भार है और ये साढ़े तीन मीटर ये कपड़ा है। अगर आपका भार छोटा है कपड़े का 56 इंच से, तो आप इसको 4.5 मीटर ले लेंगे। ये लंबाई इसकी 42 इंच है, 42 इंच ट्राउज़र की लंबाई है, लेकिन हम इसको 44 इंच काटेंगे। थाई इसकी 15.5 इंच है और लाचक इसमें 26 इंच डालेंगे। 23 इंच इसकी हिप है और उसके हिसाब से हम 26 इंच लाचक डालेंगे। 15 इंच हम इसका आसन तैयार करेंगे। ये मैंने क्रश किया और ट्राउज़र का कपड़ा जो हम जिसका हमने शरारा और गरारा बनाना है, ये मैं इसको 43 इंच, 1.5 इंच का हमने बेल्ट भी लगाना है। ये 43 इंच के हिसाब से मैं इसको एक पीस को कटिंग कर लूँगा। सबसे पहले 56 इंच इसका भार है। अगर आपका भार छोटा है तो आप 4 पीस लेंगे, लेकिन इसका भार ज़्यादा है, मैं इसके 3 पीस ले लूँगा। 43 इंच के जो एक पीस है उसको मैं हाफ में से कटिंग करके दूसरे दोनों पीसों के साथ हाफ हाफ जो है वो सिलाई कर लूँगा। ये 2 पीस हो गए हैं और इसी के हिसाब से हम एक पीस और ले लेंगे। ये जो हमारा कपड़ा आगे बच गया है, इससे हम बेल्ट ले लेंगे, इससे हम बेल्ट तैयार कर लेंगे। ये हमारे 3 पीस हो गए हैं। एक पीस को हम दरमियान में से कटिंग कर लेंगे और दूसरे दोनों पीसों के साथ हम इसको सिलाई कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे। व्यूअर्स, ये ब्लैक कलर का कपड़ा है, आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा, इसलिए आप वीडियो को जो है मोबाइल पर देख रहे हैं या कंप्यूटर पर देख रहे हैं फुल स्क्रीन कर लें, ताकि आपको क्लियर नज़र आए। मेरी वीडियो को व्यूअर्स लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसी ही बेहतरीन वीडियो सिलाई के मतलब आप तक बार वक्त पहुँचती रहेंगी। कमेंट सेक्शन में जाके आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है। ये जो हमने हाफ हाफ इंच पीस लिए हैं, ये जो हमने हमारे बड़े पीस हैं, उनके साथ हम इसको सिलाई कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे। ये अगर क्रश करने की आपको अगर वीडियो आपको आप देखना चाहते हैं कि इसको कपड़े को किस तरह क्रश करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएँ, मैं आपको इसकी वीडियो आपको मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। ये मैंने सिलाई कर लिए हैं दोनों पीसों को, जो हाफ पीस है उनको मैंने जोड़कर सिलाई कर लिया है। जो हमारा कपड़ा बचा है इसको आप इस तरीके की मदद से, इसी क्रशिंग है उसको ख़त्म कर देंगे। उससे हम इस तरह फोल्ड करने के बाद ये बेल्ट 1.5 इंच का हम बेल्ट तैयार कर लेंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद ये मैंने बेल्ट तैयार कर लिया है। इसको इस तरीके से मैंने कपड़े क्रश को ख़त्म किया है, सीधा कर लिया है। ये इस तरह मैंने इसको डबल कपड़े को, इस तरह ऊपर वाला छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा कपड़ा होगा, ये हम उसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। गरारे के ऊपर हम इसको स्टिच कर लेंगे। अब इसकी हम तय लगाते हैं। उल्टी साइड को आपने ऊपर रखना है, जो हमने जोड़ लगाए हैं उसको आपने ऊपर वाली साइड पर रखना है। जिस तरह हम शर्ट की कटिंग करते हैं उसकी तय लगाते हैं फ्रंट और बैक की, हमने इसी तरह इसकी फ्रंट और बैक की तरह ये तय लगा लेनी है। हमने सिर्फ इसकी आसन की जो निशान लगाने हैं, उसके अलावा हमने इसकी कोई कटिंग भी नहीं करनी, नीचे से पौचे की तरफ से कोई कटिंग नहीं करनी। सिर्फ हमने कट लगाने हैं कि हमने यहाँ तक आसन रखना है, उसके अलावा इसमें कोई कटिंग नहीं है। बहुत ही आसान कटिंग है इसकी। ये 1.5 इंच हमने इसका बेल्ट रखना है। 1.5 इंच छोड़ने के बाद हमने नीचे 15 इंच पे हमने कट लगा लेने हैं, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमने यहाँ पे आकर आसन हमने इतना तैयार करना है। ये हमने चारों पल्ले जो हैं उस पर हमने ये निशान लगा लिए। अब हम इसको कट कर लेंगे, ये इसमें कट लगा लेंगे, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ पे हमने आगे सिलाई ख़त्म करनी है। उसके अलावा इसमें कोई भी कटिंग नहीं है, बस यही इसके है। बहुत ही आसान कटिंग है, सिलाई भी इसकी बहुत ही आसान है। ये नीचे से हमारा पांचा हो गया और कोई भी कटिंग नहीं है। बहुत ही खूबसूरत ये ट्राउज़र तैयार होगा। उसके बाद आप ये दोनों साइडों को बंद कर देंगे ट्राउज़र को, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी। ये हमारे जो हमने जोड़ लगाए हैं ये हमने उल्टी साइड पे कर दिए हैं। ये हम सबसे पहले ये एक साइड की आसन की सिलाई लगा लेंगे, इसके बाद हम दूसरे साइड की आसन की सिलाई लगा लेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक वाले बटन को प्रेस कर दें, ताकि उससे मेरी हौसला अफजाई हो जाए, मुझे पता चल जाए कि आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, आपने मुझे लाइक किया है। एक साइड की हमने आसन की सिलाई लगा ली है, अब हम दूसरी साइड की जो आसन की सिलाई है वो अब हम लगाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये क्रश गरारा शरारा ये तैयार हो रहा है।
इसमें चुनट होते हैं, वो चुनट को ख़त्म करते हुए हम इसको सिर्फ कपड़ा सीधा करते हुए हम इसको सिलाई लगाएंगे ताकि हम सिलाई में कोई चुनट ना आए। जहाँ तक हमने कट लगाए हुए हैं वहाँ तक हमने सिलाई को लगाना है। चुनट को ख़त्म करते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। जहाँ पे हम डबल स्टिच कर दिया, जहाँ पे हमारे कट थे, अब हम इसमें चुनट डाल लेने हैं। जिस तरह ये मैं चुनट डाल रहा हूँ, ये हमने इसका हिप इसकी 23 इंच है, 23 इंच में आपने 4 जमा कर लेने हैं तो ये हो गया 27 इंच। ये तकरीबन हमने इसकी अगर 56 इंच भर है तो आपने 27 इंच इसकी हिप तैयार कर लेनी है। अगर आपके भी जो क्रॉस ट्राउज़र बनाना है उसकी 23 इंच हिप है तो आप इसी हिसाब से बनाएंगे। अगर हेल्दी नाप है आपने अपने हिप के हिसाब से 4 इंच फालतू कर लेना है। ये मैंने सारी चुनट डाल ली है इसमें, ये 27 इंच हमारा ये तैयार हो गया। ये 27 इंच मैंने इसकी जो इसका घेर है वो मैंने तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर हम बेल्ट लगाएंगे। आगे से आपने कपड़े को फोल्ड कर लेना है, सीधी साइड पर रखते हुए आपने कपड़ा का जो सीधी साइड है इसकी क्रश ट्राउज़र की क्रश गरारे की आपने सीधी साइड पर रख के इसको सिलाई करना है। कपड़े का आधा इंच मार्जिन जो है हम इस बेल्ट के अंदर देते जाएंगे और इसको सिलाई करते जाएंगे। आपने खींचना नहीं है, बेल्ट को भी नहीं खींचना, बेल्ट को बिल्कुल नहीं खींचना, नहीं तो वो सही नहीं लगेगा। हमारा जो फालतू कपड़ा है वो हमने कट इसका फोल्ड करने के बाद हमने जहाँ से हमने बेल्ट शुरू किया था उससे 2 सूत्र अंदर की तरफ हम इसको लगा देंगे। यहाँ पे हम इसको अख्ताम कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हम इसमें जो हमने छोड़ा हुआ है इसमें लाचो डालेंगे। उसके बाद इसको इस तरह बंद करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इसके ऊपर सिलाई लग जाएगी और ये हमारा गुम हो जाएगा। आप अपने हिसाब से इसमें इलास्टिक डाल सकते हैं। इलास्टिक इसके चारों तरफ डलेगी। ये 27 इंच का जो घेर है बेल्ट है वो तैयार हो गया है। अब हमने इसके पांचे पे आप चाहें तो लैस लगा सकते हैं, या आप चाहें तो इसको बेबी पीको भी करा सकते हैं। अब ये हम आसन की सिलाई लगा रहे हैं। आसन की सिलाई भी आपने इस तरह लगानी है, इसमें चुनट है जो क्रशिंग है इसको निकालते हुए आपने बड़े ध्यान से इसको सिलाई लगानी है। आसन की सिलाई हमने लगा ली है। अब मैं इस पर जिगजैग पीको करवा रहा हूँ। अगर आपको लैस पसंद नहीं है, आप लैस नहीं लगाना चाहते, तो आप जिगजैग पीको करवा लें। जिगजैग पीको शरारे पे, क्रश शरारे पे बहुत ही प्यारी लगती है, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है जिगजैग पीको से। आप इस पर जिगजैग पीको करवा सकते हैं। ये हमने जिगजैग पीको का करवा ली है। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। ये हमारा शरारा, क्रश शरारा बहुत ही खूबसूरती से ये तैयार हो गया है। पीको भी हो गया और सिलाई भी हो गया है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।